जैसे कि आप देख सकते हैं कि सुबह का टाइम है और तक्ष यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा है, कुछ एक्सरसाइज कर रहा है, कुछ योगा कर रहा है। और वो योगा करते करते कब योगा मैट से नीचे चला गया उसे खुद ही नहीं पता चला, उसे बताना पड़ा बेटा थोड़ा ऊपर चले जाइए और जाके योगा कीजिए। और अच्छी बात है वो थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा है योगा करने की, एक्सरसाइज करने की। और ये सब वो अपने भैया से सीखता है, तो उसका गुरु शिवांश उसका भैया है, तो उसी से कुछ नया नया एक्सरसाइज सीखता रहता है। और बच्चे समर वेकेशन में कुछ नया अपने भाई बहन से मिलते हैं तो कुछ ना कुछ तो नया सीखने की कोशिश करते ही हैं। तो बस तक्ष ने यहाँ कम से कम 1 से 2 मिनट तक योगा किया और अलग अलग पोज में मैं खुद ही सरप्राइज थे, क्योंकि इससे पहले उसने कभी ऐसे एक्सरसाइज नहीं किया था। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं शंकर नर्सरी। शंकर नर्सरी रांची का सबसे बड़ा नर्सरी है। यहाँ आपको अलग अलग हर तरीके के प्लांट्स मिल जाएंगे, पेड़ मिल जाएंगे, पौधे मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, ये है बोगनविला, पिंक कलर का बोगनविला। ये क्या है आंसू? आंसू ये क्या है? कौन सा? ये हार सिंगार है। हार सिंगार है ना? इसको ठीक है पूरा सफेद सफेद। इसको कुछ और भी बोलते हैं, हार सिंगार। हार सिंगार है और वाला दूसरा है। ये क्रिसमस वाला है क्या? क्रिसमस ट्री है। यहाँ पे बहुत तरह के पौधे हैं, पेड़ हैं, तो हमें भी कुछ पौधे चाहिए थे अपने फार्म के लिए, तो हम वहाँ के लिए लेने आए हुए हैं। तो वही हम देख रहे हैं कि यहाँ से हम क्या ले क्या नहीं ले। ये देख रहे हैं कि गुड़हल का है, इसके लीव्स थोड़े डिफरेंट हैं, तो वही जिसे गुड़हल भी बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बस ये मुझे पता है सो वाले प्लांट्स हैं। नाम मुझे मतलब नर्सरी और पौधे के बारे में जीरो जानकारी है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। और मेरे हस्बैंड मेरे बिल्कुल ऑपोजिट है, उनको प्लांट्स वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, कौन से प्लांट्स लीव्स वगैरह देख के ही बता देते हैं। तो इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ, आप खुद समझ लीजिए कौन से कौन प्लांट्स हैं। तो ये है शायद करी लीव्स, मुझे कुछ कुछ देख के समझ में आ रहा है लेकिन कुछ कुछ मुझे बिल्कुल नहीं पता। ये शायद फैंसी पौधे हैं जो सो वगैरह वाले। ये भी मुझे इसके लीव्स बहुत अच्छे लगे थे, थोड़े घने से, जिसे आप इंट्रेंस वगैरह पे भी लगा सकते हैं। ये है वाइट बोगेनविला जो इस, ये भी मुझे बहुत ही पसंद आ रहा था। और मैं आपको यहाँ पे अलग अलग तरह के और प्लांट्स दिखा रही हूँ, आप देख रहे हैं कुछ फूल वाले हैं, कुछ शो वाले प्लांट्स हैं, बहुत अलग तरह के प्लांट्स हैं। ये है सामा तुलसी, ये भी मुझे लीव्स इसके बहुत अच्छे लगे थे, ये मेरे पास ऑलरेडी है अभी तो मैंने इसे नहीं दिया। ये पाम का भी वैरायटी में मुझे बहुत पसंद है, एक्चुअली मुझे पाम के बहुत सारे पौधे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देख सकते हैं कि अलग अलग आप पौधे दिखने को मिल रहे हैं। और ये लोग उस जिस टाइम में हम लेने आए थे प्लांट्स, उस टाइम में ये लोग
पौधों में पानी भी डाल रहे थे क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था, शाम के 5 o'clock के आसपास शायद हो रहे थे। और देख रहे हैं कि शाम का नज़ारा भी कितना अच्छा है। तो इसके साथ, हरियाली के साथ हम काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड करते रहे, बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। और आज तो प्लांट्स वगैरह ख़रीद रहे थे पसंद करके फार्म के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे घूम घूम कर देख रही थी कुछ नया मुझे दिखाई दे रहा है क्या घर के लिए भी, तो मैं ले लूँ क्योंकि हम घर में के लिए भी तो कुछ ले, हमेशा फार्म के लिए ही हम हमेशा शॉपिंग करते हैं प्लांट्स की। तो ऑलरेडी भाभी घर में बहुत सारे पौधे लगा के रखे हैं गमले में, लेकिन मैं वही चेक कर मार रही थी कि अगर कोई ध्यान कर रही थी शायद कोई गमला खाली हो, जिसके लिए मैं प्लांट लूँ अगले। तो मुझे 2-3 प्लांट समझ में आए घर के लिए भी, तो मैं वो वहाँ के लिए लेकर आई। और एक प्लांट मैं अपनी बहन के लिए लेकर आई, वो भी मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी। वो स्नेक प्लांट टाइप्स का है, लेकिन वो स्नेक प्लांट नहीं है, लेकिन वो लिप्स उसके स्नेक प्लांट जैसे थोड़े हैं, छोटे छोटे और थोड़ा सा अलग लुक में है, शायद मैं उसे सूट नहीं कर पाई हूँ। वो भी मैं आप सबके साथ शेयर बहुत जल्दी कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतने सारे पौधे हैं, मैंने बहुत सारे पौधे के नई वैरायटी भी मुझे यहाँ देखने को मिले। और ये रहा मनी प्लांट, यहाँ से मैंने एक मनी प्लांट भी लिया घर के लिए। हमने सोचा था कि बॉटल में डाल के रखेंगे, लेकिन आंसू ने इसे पॉट में लगा दिया। अब हम यहाँ नर्सरी से फार्म पे आ चुके हैं क्योंकि हमने बहुत सारे पौधे लिए थे, तो उन्हें लगवाना भी था। ऑलरेडी एक बंदे को काम पे लगाया गया था ताकि वो थोड़ा खुदाई कर सके और हम वहाँ प्लांट लगा सके, पौधे जो भी लेकर आए थे वह लगा सके। और यहाँ पे आंसू खाद जो होता है खाद गिरवा रहे हैं ट्रैक्टर से ताकि पौधों को खाद भी डाल सके, थोड़ा थोड़ा करके वो डालते जाएंगे। एक बार में ऐसे हमने एक ट्रैक्टर गिरवा दिया है, तो यही इसी में काफ़ी लेट हो गया है, शाम हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा मतलब पूरी तरीके से शाम नहीं हुआ है, बस होने ही वाला है। तो हम लोग काफ़ी टाइम तक फार्म पे भी वेट कर रहे थे कि हमारा खाद जो भी है वो उतर जाए, इसके बाद हम घर जाएं। और जो पौधे हैं वो आज अगर नहीं लग पाएंगे तो कल आंसू आके लगाएंगे। तो इसके साथ ही चलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद एंटरटेनमेंट। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैं अभी रांची में हूँ और रांची में रात का टाइम है और मैं डिनर बना रही हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आज का ब्लॉग, आज के डिनर से। तो मैंने डिनर में क्या बनाया आप गेस कीजिए। मैंने आज डिनर में मशरूम और पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि और कुछ सब्जी अभी है नहीं। तो हम लोग और हमारे घर में बहुत सारी गाय है तो दूध और पनीर की कमी नहीं होती है। तो मैंने पनीर सेट करके पहले से ही रखा था, फ्रेश पनीर है, तो मैंने सोचा क्यों ना पनीर की सब्ज़ी बना ली जाए। और भाभी ने पनीर मशरूम लाई थी तो हम पनीर और मशरूम की मिक्स सब्ज़ी बनाएंगे और उसके साथ बनाएंगे चपाती। सब कुछ लगभग तैयार हो गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ आ रहा होगा उसके लिए इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये यहाँ पे चिमनी और फैन चल रहा है, उसी का आवाज़ है। मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं। वैसे पनीर की कोई भी रेसिपी बनाए तो उसमें पनीर को ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं जहाँ तक कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं पनीर के साथ मशरूम बना रही हूँ, तो इसे मैं 5 मिनट के लिए कुक कर दूँगी और उसके बाद हमारा सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगा। लास्ट में थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डाल दूँगी, आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। अब मैं इसे कवर करके इसे 5 मिनट्स के लिए पकने के लिए साइड में रख देती हूँ। और मैंने चपाती के लिए भी आटा लगा दिया है क्योंकि हम चपाती ही बनाएंगे। और यहाँ पे बच्चे डिमांड कर रहे थे पनीर का पराठा का, तो पनीर की स्टफिंग वाले पराठा बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनाएंगे क्योंकि पनीर थोड़ा सा गीला हो गया है तो पराठा फट भी सकता है, देखते हैं क्या करना है उसे। और यहाँ पे हमारा दूध भी अच्छे से बॉईल हो गया है, अब देख सकते हैं।
आदो आप इतना लेट आ रही हो, रात हो गया बेटा। अताक्ष भैया कहाँ हैं? फैन क्यों ऑन किया जाए? आदो को ज्यादा गर्मी लग रही है क्या? आदो आपको पानी चाहिए? आदो आपको पानी चाहिए? हाँ। पानी क्यों चाहिए आदो? वॉशरूम है ये। ठीक, आप देख सकते हैं पानी भर जाने से पानी थोड़ा गीला हो गया, तो मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। स्टफिंग को नहीं हो पाऊंगा क्योंकि पराठे फट जाएंगे स्टफिंग करूँगी तो मैं दो चपाती के बीच में पनीर का स्टफ करके पराठा बनाऊँगी। चलिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कैसा। आदो पनीर का पराठा खाओगे जी? पनीर की सब्जी। तो पराठा बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि पराठा के साथ चपाती भी बनाना था, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग पराठा खाने वाले थे, मतलब कुछ लोग क्या, तक्षादु पराठा खाने वाले थे, बाकी सभी को चपाती खाना था क्योंकि रात में पराठा हेवी हो जाता है इसलिए। तो इसी के साथ काफ़ी टाइम हो गया, तो चलिए आज का यहीं पर ब्लॉग ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करना ना भूलें।